बिग बॉस 16 के फिनाले में अब बस कुछ ही दिनों का फासला है। ट्विटर पर अभी से इस बात की बहस छिड़ गई है कि कौन विनर बनेगा, कौन बिग बॉस 16 की ट्रॉफी जीतेगा। यहाँ एक वर्ग प्रियंका चाहर चौधरी के पक्ष में खड़ा है, वहीं दूसरा वर्ग शिव ठाकरे को बिग बॉस 16 के विनर के रूप में देखना चाहता है। हालांकि अभी सीजन की ट्रॉफी किसे मिलेगी और किसे नहीं, ये तो 12 फरवरी को ही पता चलेगा। लेकिन उससे पहले सलमान खान ने इशारों में बता दिया है कि 16वां सीजन कौन जीतने वाला है। दरअसल बिग बॉस 16 की विनर कोई और नहीं बल्कि प्रियंका चाहर चौधरी होंगी और ये 21 जनवरी का एपिसोड देखने के बाद खुद ही क्लियर हो रहा है। बता दें हर वीकेंड का वॉर, जब भी सलमान खान आते हैं तो वह अन्य घर वालों के साथ साथ प्रियंका चौधरी की भी क्लास लगाते हैं, लेकिन 21 जनवरी के एपिसोड में नजारा कुछ और ही था। इतना ही सलमान खान प्रियंका से बड़े ही प्यार से बात करते नजर आए। उन्होंने यहां तक कह दिया कि वह भविष्य में प्रियंका चौधरी को अपनी फिल्म में लेना चाहेंगे, साथ ही उन्होंने प्रियंका को हीरोइन मटेरियल भी बताया। इसके अलावा तीसरी बात जिससे साबित हो गया कि प्रियंका बिग बॉस 16 की विनर बन सकती हैं, वह है जब साजिद खान ने प्रियंका को अपनी फिल्म के लिए एक्स्ट्रा में डाला। दरअसल सलमान ने वीकेंड का वॉर में आए साजिद खान से पूछा था कि वह अपनी फिल्म बनाएंगे तो बिग बॉस के किस कंटेस्टेंट को क्या रोल देंगे। इस पर साजिद ने प्रियंका को पहले एक्स्ट्रा में डाल दिया, लेकिन जब सलमान ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि प्रियंका एक्स्ट्रा में होनी चाहिए तो साजिद ने उन्हें बतौर लीड ले लिया। वहीं लेटेस्ट एपिसोड में टीना को जब सलमान ने फटकारा और प्रियंका ने जिस तरह से उन्हें संभाला उसकी तारीफ हो रही है। ये बात भी प्रियंका के फेवर में बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से जा रही है। इस तरह कहीं ना कहीं इस बात से इशारा मिल गया कि हो ना हो प्रियंका चाहर चौधरी बिग बॉस 16 की विनर हो सकती हैं। पर ऐसा वाकई होगा या नहीं, ये तो 12 फरवरी को बिग बॉस 16 के फिनाले पर पता चलेगा। वैसे आपको क्या लगता है नीचे कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं, और वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें। इसी तरह की और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।